हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैज़ेव के 12th कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, 12वें यूज के बारे में। ऑब्जेक्ट हैज़ेव बीन ट्राइड टू v1 बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट हैज़ेव ट्राइड टू v1 देन ऑब्जेक्ट इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। यह क्या है, कर्ता कुछ करने की कोशिश कर चुका है, जैसे राम बाजार जाने की कोशिश कर चुका है, वह लेटर लिखने की कोशिश कर चुका है, मैं मैसेज भेजने की कोशिश कर चुका हूं, राधा सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश कर चुकी है, मम्मी खाना बनाने की कोशिश कर चुकी है, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर करने की कोशिश कर चुका है। जब कर्ता कुछ करने की कोशिश कर चुका है तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं लेटर लिखने की कोशिश कर चुका हूं, आई हैव ट्राइड टू राइट अ लेटर। मोहन बाजार जाने की कोशिश कर चुका है, मोहन हैज ट्राइड टू गो टू मार्केट। मैं मैसेज भेजने की कोशिश कर चुका हूं, आई हैव ट्राइड टू सेंड मैसेज। हम सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश कर चुके हैं, सो वी हैव ट्राइड टू ट्रांसलेट सेंटेंस। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है लास्ट ही वीडियो में, है ना दोस्तों। यहां पर हम लोग इसका पेसिव वॉइस सीखने वाले हैं, है ना। कर्ता के द्वारा कुछ करने की कोशिश की जा चुकी है, जैसे मेरे द्वारा लेटर लिखने की कोशिश की जा चुकी है, तुम्हारे द्वारा दरवाजा खोलने की कोशिश की जा चुकी है, इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर करने की कोशिश की जा चुकी है, मेरे द्वारा उसे पीटने की कोशिश की जा चुकी है, मेरे द्वारा उसे जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है, स्टूडेंट्स के द्वारा होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश की जा चुकी है, रमन के द्वारा प्रैक्टिस करने की कोशिश की जा चुकी है, उसके द्वारा नया मोबाइल खरीदने की कोशिश की जा चुकी है, हमारे द्वारा पैसे चुराने की कोशिश की जा चुकी है, उसके द्वारा मूवी देखने की कोशिश की जा चुकी है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस आते हैं। तो जितना हम लोग हिंदी सेंटेंसेस बना पाते ना गाइज, और वो अगर हमारी समझ में है तो इंग्लिश बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। सबसे पहले तो समझ होनी चाहिए हिंदी सेंटेंसेस की। दोस्तों यहां पर मैंने लिखा हुआ हैज हैव ट्राइड टू वी वन देन ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर, और यहां पर लिखा हुआ उसका उसी का पेसिव वॉइस वाला। अगर जैसे मुझे बनाना है सचिन के द्वारा क्रिकेट खेलने की कोशिश की जा चुकी है, कैसे बनाएंगे, सचिन के द्वारा बाय सचिन पीछे आ जाएगा, क्रिकेट खेलने की कोशिश की जा चुकी है, सो क्रिकेट हैज बीन बीइंग ट्राइड टू प्ले बाय सचिन। देखिए फिर से देखिएगा, क्रिकेट हैज बीन बीइंग ट्राइड टू प्ले बाय सचिन। यहां प्ले क्यों आया, क्योंकि मेन वर्ब ट्राइड है, ये थर्ड फॉर्म में आना जरूरी है, ये तो इंफिनिटिव फॉर्म वाली वर्ब है, ये बदलती नहीं, उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोज में जब मैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब यहां पर वो चीज आएगी, है ना। तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी कंडीशन में नहीं बदलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब है ना। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेले जाने की कोशिश की जा चुकी है, सो क्रिकेट खेलने की कोशिश की जा चुकी है, खेले जाने की नहीं, क्रिकेट खेलने की, सो क्रिकेट हैज बीन ट्राइड टू प्ले बाय सचिन। मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ने की कोशिश की जा चुकी है, सो चेयर हैज बीन ट्राइड टू ब्रेक बाय मी। हमारे द्वारा फैन रिपेयर करने की कोशिश की जा चुकी है, फैन हैज बीन ट्राइड टू रिपेयर बाय मी। दोस्तों ऐसे कॉन्सेप्ट बताना तो ना मजा आता है दोस्तों, क्योंकि ऐसी कॉन्सेप्ट पता नहीं होती, स्टूडेंट भी कंफ्यूज होते, भैया बाय है तो पहले थर्ड फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म इसका नहीं आएगा, इसका आएगा। जैसे नौकर के द्वारा कमरा साफ करने की कोशिश की जा चुकी है, रूम हैज बीन ट्राइड टू क्लीन बाय सर्वेंट। मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने की कोशिश की जा चुकी है, सो सेंटेंसेस हैव बीन ट्राइड टू मेक बाय मी। हमारे द्वारा नया जॉब ढूंढे जाने की कोशिश की जा चुकी है, अ न्यू जॉब हैज बीन ट्राइड टू फाइंड बाय मी। कंप्यूटर रिपेयर करने की कोशिश की जा चुकी है, सो कंप्यूटर हैज बीन ट्राइड टू रिपेयर बाय हिम। राधा के द्वारा खाना बनाए जाने की कोशिश की जा चुकी है, सो फूड हैज बीन ट्राइड टू कुक बाय राधा। मेरे द्वारा मैसेज फॉरवर्ड करने की कोशिश की जा चुकी है, सो मैसेज हैज बीन ट्राइड टू फॉरवर्ड बाय मी। उनके द्वारा लेटर लिखे जाने की कोशिश लेटर लिखने की कोशिश की जा चुकी है, सो लेटर हैज बीन ट्राइड टू राइट बाय देम। हमारे द्वारा नया मोबाइल खरीदने की कोशिश की जा चुकी है, अ न्यू मोबाइल हैज बीन ट्राइड टू परचेज बाय अस। राधा के द्वारा सब्जियां बेचने की कोशिश की जा चुकी है, सो वेजिटेबल्स हैव बीन ट्राइड टू सेल बाय राधा। मेरे द्वारा उसे पीटने की कोशिश की जा चुकी है, सो ही हैज बीन ट्राइड टू बीट बाय मी। हमारे द्वारा फूल तोड़ने की कोशिश की जा चुकी है, सो फ्लावर्स हैव बीन ट्राइड टू प्लक बाय अस। उनके द्वारा नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश की जा चुकी है, अ न्यू बिजनेस हैज बीन ट्राइड टू स्टार्ट बाय देम, है ना। तो गाइज यहां पर दो तरह के स्ट्रक्चर है, एक ट्राइड टू मतलब प्रेजेंट परफेक्ट वाला, और
और उसी का पेशे वाइज जो मैं यहां समझाना चाहता हूं। जैसे मैं लेटर लिखने की कोशिश कर चुका हूं, सो यहां पहले हिंदी देखते हैं, मैं लेटर लिखने की कोशिश कर चुका हूं, मेरे द्वारा लेटर लिखने की कोशिश की जा चुकी है, राधा मैसेज भेजने की कोशिश कर चुकी है, राधा के द्वारा मैसेज भेजने की कोशिश की जा चुकी है, सचिन क्रिकेट खेलने की कोशिश कर चुका है, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेलने की कोशिश की जा चुकी है, हम सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश कर चुके हैं, हमारे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश की जा चुकी है। अगर उसी को कन्वर्ट करना हो, जैसे सचिन क्रिकेट खेलने की कोशिश कर चुका है, सचिन हैज ट्राइड टू प्ले क्रिकेट, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेलने की कोशिश की जा चुकी है, क्रिकेट हैज बीन ट्राइड टू प्ले बाय सचिन, मैं मैसेज भेजने की कोशिश कर चुका हूं, आई हैव ट्राइड टू सेंड मैसेज, मेरे द्वारा मैसेज भेजने की कोशिश की जा चुकी है, मैसेज हैज बीन tried to sent by message has been tried to send by me, राम के द्वारा इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर करने की कोशिश कर चुका है, इलेक्ट्रिशियन हैज ट्राइड टू रिपेयर फैन, इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर करने की कोशिश की जा चुकी है, फैन हैज बीन ट्राइड टू रिपेयर बाय इलेक्ट्रिशियन। जैसे मम्मी खाना बनाने की कोशिश कर चुकी है, मदर हैज ट्राइड टू कुक फूड, मम्मी के द्वारा खाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है, फूड हैज बीन ट्राइड टू कुक बाय मदर। इस तरह सेंटेंस होते हैं। आइए कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे मेरे द्वारा गाना गाने की कोशिश की जा चुकी है, अ सॉन्ग हैज बीन ट्राइड टू सिंग बाय मी, मेरे द्वारा गाने की कोशिश की जा चुकी है, सॉन्ग हैज बीन ट्राइड टू सिंग बाय मी, उनके द्वारा पंखा सुधारने की कोशिश की जा चुकी है, पंखा अ फैन हैज बीन ट्राइड टू रिपेयर उनके द्वारा बाय देम, अ फैन हैज बीन ट्राइड टू रिपेयर बाय देम, हमारे द्वारा उसे जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है, उसे, सो ही हैज बीन tried to kill by us, हमारे द्वारा उसे जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है, आकाश के द्वारा रोहन को अपहरण करने की कोशिश की जा चुकी है, रोहन को, है ना, सो रोहन has been tried to kidnap आकाश के द्वारा by आकाश, ठीक है, सो रोहन हैज बीन ट्राइड टू किडनैप बाय आकाश, आकाश के द्वारा रोहन को किडनैप करने की कोशिश की जा चुकी है, मम्मी के द्वारा कपड़े धोने की कोशिश की जा चुकी है, कपड़े, सो क्लॉथ्स हैव बीन ट्राइड टू वॉश बाय मदर, सो मम्मी के द्वारा कपड़े धोने की कोशिश की जा चुकी है। तो गाइस यहां पर हम लोगों ने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। अगर एक ही सेंटेंस को सभी में ट्रांसलेट करना हो पूरे स्ट्रक्चर में, तो आइए उसको भी समझते हैं। जैसे मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ने की कोशिश की जा चुकी है, अगर मुझे ऐसा बनाना है, सो अ चेयर हैज बीन ट्राइड टू ब्रेक बाय मी, मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ने की कोशिश की जा चुकी है, मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ने की कोशिश नहीं की जा चुकी है, अ चेयर हैज नॉट बीन ट्राइड टू ब्रेक बाय मी, क्या मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ने की कोशिश की जा चुकी है, हैज अ चेयर बीन ट्राइड टू ब्रेक बाय मी, मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ने की कोशिश कब की जा चुकी है, सो व्हेन हैज अ चेयर बीन ट्राइड टू ब्रेक बाय मी, और किसके द्वारा कुर्सी तोड़ने की कोशिश की जा चुकी है, सो बाय हुम हैज अ चेयर बीन ट्राइड टू ब्रेक, सेंटेंस को देखिएगा, बाय होम हैज अ चेयर बीन ट्राइड टू ब्रेक, किसके द्वारा कुर्सी तोड़ने की कोशिश की जा चुकी है। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने हैज हैव का एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट देखा, जो कि हैज हैव ट्राइड टू, ये जो कॉन्सेप्ट था इसी का पेसिव वॉइस है, तो कहीं पर भी इसको समझाया नहीं गया है, और
अगर आप इसको सीखते हैं, कुछ अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, आप खुद मोटिवेटेड होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो हैज़ेव का मैं 12th यूज आपको समझाना चाहता था वो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो ही गया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।